इज वेल्थ, अनोखियों की सेहत दुरुस्त रखने के लिए अब हर हफ्ते हम लेकर आ रहे हैं विभिन्न स्पेशलिस्ट के साथ सेहत की लाइव चिटचैट। इस बार मिलिए डॉक्टर कविता देवगन और डॉक्टर मंजरी चंद्रा से। नमस्कार, अनोखी सेहत लाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों की सेहत के बारे में और मेरे साथ हैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉक्टर मंजरी चंद्रा और कविता देवगन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि हमारे यहाँ जो नई मॉडर्न मम्मियां हैं वो अपने बच्चों की सेहत को लेकर बड़ी परेशान रहती हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो कहते हैं कि हम न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के बारे में जानना चाहेंगे, हम वहां जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे बच्चे को क्या खिलाना पिलाना चाहिए। तो डॉक्टर मंजरी, आप बताइए कि ये नया ट्रेंड है कि पहले से मम्मियां इतनी ही फिक्रमंद रहती थी बच्चों के लिए। जी सही बोल रहे हैं आप जयंती। आप हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं वो बहुत ज्यादा बहुत इनफैक्ट ऑब्सेशन तक हो जाता है उनका बच्चों की सेहत को लेकर। रीजन इसकी कई है। पहला रीजन ये है कि बच्चे कम होते हैं, एक या दो बच्चे होते हैं तो बहुत फोकस उन पे बहुत ज्यादा होता है। दूसरा आई थिंक इन्फॉर्मेशन, लोग ज्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एट देयर फिंगर टिप्स, तो वो भी जानना चाहते हैं व्हाट इज द बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन, बिकॉज उनको पता है कि इवेंचुअली लाइफ में परफॉर्म करने के लिए हेल्थ इज अ मेजर मार्कर। तीसरा आई थिंक एक और प्रॉब्लम ये भी है कि विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्न फूड, जो हमारा ट्रेडिशनल फूड जैसे जैसे हमने गिव अप किया वैसे वैसे ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्रिएट हुए। अगर हम वी हैड स्टक टू 100 साल पहले जो हमारा ट्रेडिशनल फूड था तो ये डेफिशिएंसीज इतनी आती नहीं। राइट, आप अभी मुझे बता रही थी कि हमारी किचन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें शुरू से रही हैं, तो हमें मॉडर्न तकनीक और मॉडर्न खाने पीने के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन सी चीज़ें हैं जो आप कहेंगे कि हमारी दादी नानियाँ हमें खिलाया करती थी और आज भी हमारे बच्चों के लिए उतनी यूजफुल है? देखिए, ये अगर आप रीजन वाइज भी देखें हिंदुस्तान में ना, तो अगर आप बैंगलोर जाए या कर्नाटक, लोग रागी गंजी रागी पॉरेज से बच्चों को वीन कर देते हैं। अब लोग पैकेज्ड फूड से वीन करते हैं। आई एम नॉट सेइंग पैकेज्ड फूड इतना अच्छा नहीं है, बट आई एम सेइंग इज अगर वो ट्रेडिशनली रागी या जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो कंटिन्यू करते, तो रागी अपने आप में अगर आप देखिए मिल्क के साथ इट्स ऑलमोस्ट अ कंप्लीट फूड, इतना कैल्शियम माइक्रोन्यूट्रिएंट डेंस फाइबर प्रोटीन ऑफ वेरी हाई क्वालिटी है ना, तो वो सब हमने चेंज कर दिया है। हाँ, थोड़ा सा ये भी हो गया कि पेरेंट्स के पास वक्त भी कम है तो क्विक फूड्स जो होते हैं वो बच्चों को खिला रहे हैं। बच्चे खुद डिमांडिंग हो गए हैं बिकॉज एक्सेप्टेबिलिटी ट्रेडिशनल फूड्स की कम हो गई है। बच्चे वो पैकेट्स में से ज़्यादा खाना चाहते हैं जो ज़्यादा टेस्टी और फुलफिलिंग है। आई थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अगर हम अपना ही किचन देखें हिंदुस्तान में, आप देखिए राजस्थान जाइए, एक जनरेशन पहले तक लोग मक्की और बाजरा ही खाते, ये अभी ही है कि सबने वीट खाना शुरू कर दिया और सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आप साउथ इंडियन हो बट आप राइस छोड़ दो आप वीट खाओ, एंड इन विच इज वेरी रॉन्ग। अगर मैं केरलाइट हूँ तो माय ग्रैंड पेरेंट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हैव बीन ईटिंग राइस एंड कोकोनट एंड फिश, आई शुड बी डूइंग द सेम, है ना। मुझे क्या जरूरत है कि वो ऑयल जो मेरे देश में जो चीज़ बनती ही नहीं, जो जेनेटिकली जिसका मेरे अंदर कोई कॉम्पोजिशन नहीं है, वो मैं कहीं से इम्पोर्ट होकर उसको मैं कंज्यूम करूँ टू बिलीव दैट इट्स गोइंग टू बी। बहुत अच्छी बात कही। कविता, मुझे बताइए कि ये कहा जाता है कि किसी भी बच्चे के लिए न्यूबॉर्न बेबी के लिए फर्स्ट 1000 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपका क्या नजरिया है इस बारे में? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, अडल्ट से ज़्यादा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो इन्फेंट्स की होती है, लाइक यू सेड 1000 डेज विच विल बी मीन फर्स्ट 2 to 3 years। अगर हम उनके ये 2 से 3 साल का खाना और न्यूट्रिशन को बिल्कुल एप्ट रख सकें तो उनका अडल्टहुड सॉर्टेड है, उनको वो बड़े होकर कभी प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगे, बिकॉज जितने भी माइलस्टोन्स हैं आपके वो इसी टाइम में बनते हैं, इनफ रिसर्च हैज टोल्ड अस। अगर खुद भी ग्रोथ भी देखें, आप आपको साइंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, आप बच्चे को देखें 1 साल के अंदर उसका वेट ट्रिपल हो जाता है, राइट उसका ब्रेन का साइज 2 साल में 3 बारी बढ़ जाता है, उसकी कंप्लीट इम्यूनिटी जब वो पैदा होता है उसकी बिल्कुल इम्यूनिटी नहीं होती है, वी ऑल नो दैट, और 2 साल के अंदर उसकी पूरी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। कॉग्निशन पावर्स 80% जितनी हमारी अडल्टहुड में होती हैं उसकी 80% 2 साल में बन जाती है। तो अगर हम न्यूट्रिशन ही नहीं देंगे पहले 2 साल में तो ये सारे माइलस्टोन्स हमारे डिलेड हो जाएंगे। और जितनी रिसर्च आ रही है वो यही बता रही है कि फैट
सेल्स सारे आपके 3 साल के पहले बन जाते हैं. तो डिपेंड्स आप उसको किस तरीके का न्यूट्रिशन दे रहे हैं, किस तरीके का खाना दे रहे हैं, उसी के हिसाब से उसका अडल्टहुड में वेट डिपेंडेंट है कि आप कितने ओबीस हो सकते हैं, वो पहले 3 साल में ही डिसाइड हो जाता है. तो मम्मी आपके पास किस किस्म के प्रॉब्लम्स लेके आ रही हैं इन दिनों? मम्मी तो ज्यादातर इसी टेंशन में आ रही हैं कि हमारी फैमिली में इतनी भी सीरियस हो गई हैं कि हमारी फैमिली में डायबिटीज हिस्ट्री है, हार्ट हिस्ट्री है, हम अभी से क्या करें इतने छोटे बच्चों से. विच इज इन अ वे गुड ऑल्सो आई फील, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि हम लोग क्या करते थे, एक जो पुरानी बात जो गलत थी वो ये थी कि हम सिर्फ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स देते थे कि बच्चे को ये सिर्फ चीजें मिल गई हैं तो बच्चे का कंप्लीट न्यूट्रिशन हो गया. वेरस ये तो हमको माइलस्टोन्स मेन दिखाता है कि हाइट बढ़ रही है अभी ठीक है कि नहीं है, अंदर क्या हो रहा है, ब्रेन डेवलप हो रहा है कि नहीं, इम्यूनिटी बढ़ रही है कि नहीं आपकी, ये तो सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. तो अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसमें विटामिंस और मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है. जिंक कितना जा रहा है बच्चे को, कैल्शियम कितना बच्चा ले रहा है, आयरन कितना बच्चे को जा रहा है. 6 महीने तक तो आयरन डेफिशिएंसी नहीं होती है बच्चे को. आई मीन गॉड हैज मेड इट लाइक दैट कि आयरन डेफिशिएंसी के स्टोर्स लेके वो बच्चा पैदा होता है, जो कि 4 से 6 महीने तक उसका काम चल जाता है. ही हैज इनफ स्टोर्स इन द ऑफ आयरन इन द बॉडी, इसलिए ब्रेस्ट मिल्क से काम चल जाता है. पर जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है, उसके बाद अगर हम उसको जब वीनिंग करना शुरू करते हैं और राइट फूड्स उस वक्त उसको नहीं देते हैं जिसमें कि इनफ आयरन हो, इनफ जिंक हो, इनफ विटामिन ए हो, जो कि बच्चे को ज्यादा जरूरत है, तो उसको फिर ये डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस टाइम पे सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ना देखे जाए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस किया जाए. वेरी इंटरेस्टिंग. हमारे कुछ जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी हमारे सामने काफी सवाल रखे हैं, मैं अब आप लोगों से पूछना चाहती हूँ. एक तो डॉक्टर मंजरी आपसे सवाल पूछ रही है, मोहिता माथुर, वो कह रही हैं कि उनका जो बेटा है वो 9 साल का है और वो सलाद बहुत पसंद करता है और वो हर खाने के साथ एक बाउल सैलेड खाना चाहता है, तो वो जानना चाहती है इज इट एडवाइजेबल. चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं ना, उनमें बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होते हैं. आप देखेंगे बच्चे अनकुक्ड फूड बहुत इंजॉय करते हैं, इफ यू गिव इट टू देम, है ना, सैलड्स, क्यूकुम्बर, टोमेटोज, इस तरह की चीजें वो बहुत इंजॉय करते हैं. तो सैलड तो कभी नुकसान कर ही नहीं सकता. इनफैक्ट जैसे कविता बोल रहे थे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है फ्रूट्स. अच्छा, आप लोग क्विकली ये बता दीजिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या है, हमारे कई सारे व्यूअर शायद भी जानते ना होंगे. तो क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कितनी रोटी खा ली बच्चे ने, कितना दूध पी लिया, तो हम वही क्वांटिटी मेजर कर पाते, 2 चम्मच घी हमने दे दिया दिन में. बट हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उनको, जैसा उन्होंने बोला, विटामिन्स और मिनरल्स. विटामिन्स में कई सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो आप देखिए, बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, फोलेट, B12, ये स्पेशली वेजिटेरियंस में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बच्चों में भी बहुत कॉमन है. बट कई बार आइडेंटिफाई ही नहीं होती, कई बार डायग्नोज ही नहीं होते, क्योंकि ब्लड टेस्ट नॉर्मली नहीं होते, आयरन हेमोग्लोबिन कम होता है. जिंक और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनके बारे में लोग सोचते ही नहीं, लाइक जिंक हो गया, सिलेनियम, कोबाल्ट, कॉपर, और बड़े तौर पे आयरन, कैल्शियम, ये सब लोग किस खान पान से ये सब था? मैं बताती हूँ, बहुत ही सिंपल है. अगर हम टेक्निकलिटीज में नहीं भी जाएं, तो अगर मुझे दाल खानी है और मैं खड़ी मूंग खा लूं इंस्टेड ऑफ स्प्लिट और पॉलिश दाल, मुझे आधा न्यूट्रिशन तो वहीं से मिल जाए. तो जब भी हम खाएं तो ऐसी कोई चीज ना खाएं जो बॉक्स्ड इन कैन पैकेट में से निकलती है. ऐसी चीजें खाएं जो नेचर ने जिस तरह से बनाई है उसी फॉर्म में जितना हो सके, छिलके के साथ हो, ब्रांड के साथ हो. फल को जूस करने का सबसे अच्छा तरीका आपके अपने टीथ में, अपने मुंह के अंदर करें, क्यों आप किसी जूसर में से फाइबर. मैं एक डॉक्टर से बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि ये जो नया कॉर्न आ रहा है उसकी जगह भुट्टा जो है वो भून के खाइए, वो ज्यादा. जो पहले लोग भुट्टा खाते थे, तो पीपल हैव टू गेट बैक टू ईटिंग नेचुरल एंड रियल फूड. जितना सिंपल फूड होगा, जैसा था नेचर ने बनाया था, उतना ही हम उसको. एंड ऑब्वियसली डाइवर्सिटी, यू हैव टू इंक्लूड मिलेट्स, यू हैव टू इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नट्स होना चाहिए, डेयरी होना चाहिए. अब मेरे सामने आप दोनों से सवाल है कि माएँ अपने बच्चों में ये आदत कैसे डलवाए, सीम्स डिफिकल्ट. इट्स नॉट. टीच फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जो करेंगे बच्चे के साथ सामने, बच्चा वो फॉलो करेगा. अगर आप उसको बोलेंगे कि ये काट के आप खाइए, बच्चे को वो नहीं खाएगा. थोड़ा सा अगर बड़ा बच्चा है तो उसको इन्वॉल्व करिए अपने साथ. अगर वो फ्रूट्स नहीं खाता, फॉर एग्जाम्पल, जैसे काफी पेरेंट्स पेपर्स आते हैं, बोलते हैं कि फ्रूट्स तो बच्चा खाता ही नहीं है, इसको कुछ भी कर लो ये फ्रूट नहीं खा सकता. तो गेम बनाइए ना उसका. मैं सबको यही बोलती हूँ, सिर्फ ये मत बोलिए कि ये फ्रूट काट के दिया ये खाना पड़ेगा, डांट के.
आप उसको गेम बनाइए, शॉपिंग के लिए साथ लेके जाइए, लेट हिम पिक एंड चूज कौन सा फ्रूट खाना है, चूज करने के बाद घर लाके उसकी स्टोरी सुनाइए, मेक अ स्टोरी आउट ऑफ दैट कि एप्पल के साथ ये होता है एंड ऑल दैट. कटर्स लाइए इंटरेस्टिंग, उसको बोलिए काटने के लिए, शेप्स में काटे हुए फ्रूट, फिर उसके साथ बैठ के खाइए, फिर वो अगली बार दूसरा फ्रूट खाने के लिए बोलेगा. इट विल बिकम अ गेम जी. सो बाय एग्जांपल सिखाइए. और एक चीज जो उन्होंने बोली, मैं जस्ट ऐड करना चाहूंगी, व्हाट इज व्हाट यू आर सेइंग, यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. यू कांट जस्ट प्रीच कि बेटा तुम फ्रूट्स खाओ, अब तुम दालें. यू हैव टू मेक दैट एनवायरनमेंट इन द हाउस. सब लोग हेल्दी खा रहे हैं तो बच्चा भी बाय डिफॉल्ट हेल्दी खा ही लेगा ना. जब आप खुद खाने पर फोकस नहीं कर रहे हैं, क्विक फिक्सेस कर रहे हैं, आप वैरायटी नहीं कर रहे हैं. देखिए यू नो, अगर आप सिविलाइज्ड वर्ल्ड से बात करें, ज्यादा हमसे जो सिविलाइज्ड है, यूरोपियंस एंड अमेरिकंस, दे रियलाइज दैट पीपल हैव टू गेट बैक टू किचन, दे हैव टू गेट बैक टू कुकिंग इन देयर ओन हाउसेस. हमारे यहां तो ये हो रहा है कि लोग अब साथ बैठ के खाना भी नहीं खा रहे हैं. अलग अलग टाइम में बच्चे को कहते हैं अपना खाना टीवी के सामने खा लो, तो इससे भी तो असर पड़ता होगा. बिल्कुल. तो हम कोई फिक्सेस नहीं ले सकते. हमें जैसे उन्होंने बोला कि बच्चों को एंगेज करना है, बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएं. यू बी सरप्राइज कि बच्चे कितने रिसेप्टिव होते हैं. आप उनको जब समझाते हैं तो वो बहुत कुछ गेन करते हैं. तो उनको उनके साथ बैठिए, उनके साथ इन्वॉल्व होइए, वही खाइए जो आप उनको खिलाना चाहते हैं. तभी पेरेंटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट पेशेंस रखना पड़ता है हर बच्चे के साथ. एक बारी में तो वो नहीं मानेगा. इंडिविजुअल होते हैं बच्चे, वो सब एक लीग को नहीं फॉलो. अगला सवाल चाइनिका का है और भी कई सारे लोगों ने हमसे पूछा है कि बच्चा दूध नहीं पसंद करता, मेरे 2 साल का बच्चा, और क्या दूध की जगह किसी और फूड से इसकी कमी पूरी की जा सकती है? बिल्कुल करी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर दूध नहीं पसंद करता तो वैसे इम्पोर्टेंट है मिल्क. हाँ, पर अगर नहीं पीता है तो हमको कैल्शियम और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ही पूरी करनी है. योगर्ट, पनीर, बटर मिल्क, जो उसको पसंद है बच्चे को वो देना शुरू करिए. चीज लेता है, चीज दीजिए. ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है. तो आप लोगों के सामने ऐसे कितने केसेस आते हैं जहाँ बच्चा जो कहता है कि दूध नहीं पीना है? बहुत आते हैं. इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे आजकल लैक्टोज इंटॉलरेंट भी हो गए. तो उसका वही अल्टरनेटिव है कि आप लैक्टोज को लैक्टिक एसिड के फॉर्म में, या पनीर के फॉर्म में, या बटर मिल्क, या चीज, होममेड पनीर बनाइए. अगर आपको पता है कि रोज देना है तो थोड़ा तो मेहनत करिए. ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ज्योति देवी का. वो हैंड सैनिटाइजर के बारे में जानना चाहती है कि क्या छोटे बच्चे हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं स्कूल्स में? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए. बिकॉज इम्यूनिटी डेवलप कैसे होगी अगर आप उनको शुरू से ही बैक्टीरिया से इतना दूर रखेंगे? आपकी बॉडी डेवलप, बच्चे की बॉडी डेवलप करेगी नहीं इम्यूनिटी. हम लोगों ने भी, हमने कभी हैंड सैनिटाइजर्स नहीं करे भाई पिछले 5 साल से. बहुत ही गंदी जगह पे जा रहे हैं, यहाँ जहाँ आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा जर्म्स हैं, तो वहाँ कभी कभार यूज कर लिया, पर डेली यूज में तो प्लीज अवॉइड. तो क्या एडल्ट्स को भी आप यही एडवाइस करेंगे? जी, अनलेस कि आपको कोई सीरियस इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होता है, या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट आपका इतना वीक है कि आपको डॉक्टर नहीं बोला है कि यू नो यू शुड बी केयरफुल. इसमें भी एक बहुत ही सही कहा उन्होंने. देखिए, आप अगर टियर 2 सिटी में जाएं हिंदुस्तान में, तो ना को आपको कोई ग्लूटेन इंटॉलरेंट मिलेगा, ना लैक्टोज इंटॉलरेंट. हम इन बड़े सेंटर्स में इतना ओवर सैनिटाइज कर रहे हैं खुद को कि हेल्दी गट में बैक्टीरिया ही नहीं है जो बेसिक मिल्क को भी डाइजेस्ट करे. वो बच्चे जो धूप में खेलते हैं और मिट्टी में खेलते हैं, वो सारा दूध और सब पचा जाते हैं, आराम से डाइजेस्ट कर लेते हैं. सच बात है, हमारे बिल्कुल गांव मोहल्लों के बच्चे लकड़ अजम पत्थर अजम होते हैं. अच्छा, एक और पेरेंट है गौतम प्रशांत, वो जानना चाहते हैं कि एज बिटवीन 2 to 5 टाइनी टॉट्स के लिए कुछ फूड चार्ट बता दीजिए आपकी क्या होना चाहिए. ओके, टिपिकली आई थिंक इंस्टेड ऑफ मेकिंग एवरी मील लाइक अ फूड चार्ट, इसमें कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं जो होने चाहिए. जैसे उन्होंने बोला, एक अमाउंट ऑफ डेयरी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए. तो डेयरी का 2 से 5 साल के बीच में अराउंड 750 ml to 1 liter ऑफ डेयरी, या अराउंड 750 ml होना चाहिए. किसी भी फॉर्म में आप डेयरी दें. लेंटिल्स और बीन्स इम्पॉर्टेंट हैं. तो अगर बच्चे नहीं खड़ी दालें ऐसे खा रहे हैं, तो आप मूंग दाल का चीला बना लीजिए, बेसन का चीला बना लीजिए, ढोकला बना लीजिए, किसी भी फॉर्म में दाल के पराठे बना लीजिए, बट गिव देम दैट लेंटिल एंड बीन्स. अच्छा, बच्चों को स्कूल में क्या देना चाहिए बताइए, लंच फर्स्ट क्या होना चाहिए उनका?
इनफैक्ट हम सीएससी के साथ एक बहुत बड़ा वो कर रहे थे टू पुश सीबीएसई कि ये सारी कैंटीन्स जो स्कूल में इनको बंद कर दिया जाए और वो कुछ हद तक इम्प्लीमेंट भी हो चुका है एंड बड़े स्कूल्स कॉन्शियस हो गए वो बच्चों को मैगी और चिप्स और ये सब अलाउ नहीं करते तो हेल्दी खाना हम भी तो बचपन में पराठा सब्जी लेकर ही स्कूल जाते थे ना पराठा सब्जी फ्रूट नट्स बेसन का लड्डू बना के दीजिए बचपन की कौन सी याद है आप क्या ले जाती थी बिल्कुल सही कह रहे हैं मुझे तो याद है जहाँ तक याद है परांठा और सब्जी होती थी क्योंकि वो फिलिंग होता है और वो आप वैसे भी लंच में घर में भी वही खाते हैं रोल करके आप ले गए फिंगर फूड भी हो गया जो आजकल फिंगर फूड की बात होती है कि फिंगर फूड देना चाहिए बच्चे प्रेफर करते हैं ना कि हाथ में लेके चले गए और खा लिया तो फिंगर फूड भी हो जाता है आप उसको रोल करके दीजिए बेस्ट ऑप्शन है कई बच्चा खाना चाहते हैं तो बेसन का लड्डू बना कर दीजिए घर में है ना क्यों आप उनको वो डिजर्ट्स देना चाहते हैं जिनमें ट्रांस फैट है जी 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 बिल्कुल अच्छा आप ये पुण्य अग्रवाल पूछ रही है विटामिन B12 से रिलेटेड सवाल कि ये बच्चों को खासकर टॉडलर्स को देना चाहिए कि नहीं क्या होता है वेजिटेरियन डाइट में B12 का कोई सोर्स नहीं तो वो ही सोर्स है सिर्फ डेयरी थोड़ा सा सोर्स है और होल ग्रेन्स तो अगर बच्चा पूरी खड़ी दालें नहीं खा रहा है इनफ मिल्क नहीं ले रहा तो B12 डेफिशिएंसी हो सकती है अच्छा बट ये कोई ब्लैंकेट में नहीं दिया जा सकता इसके लिए ब्लड इन्वेस्टिगेशन करके पीडियाट्रिशियन डिसाइड करते हैं कि B12 देना है कि नहीं और देना है तो कितना डोज ये ओनली आफ्टर डूइंग इस तरह ऑफ हैंड मतलब ओवर द काउंटर B12 प्रेफरेबली वैसे सप्लीमेंट्स बच्चों को अवॉइड ही करे जाते हैं जहां तक नेचुरल फूड फोर्टिफाइड फूड ठीक है बिकॉज वो खाने के तरीके से आ जाता है बट सप्लीमेंट्स अवॉइड करना चाहिए वो सप्लीमेंट्स जितना अवॉइड कर सकते हैं अच्छा वैशाली द्विवेदी पूछ रही है कि समर में बच्चों को डिहाइड्रेशन से कैसे बचाएं उनको क्या दें एक तो पानी पीने की आदत बिल्कुल नहीं है बच्चों को आजकल बिल्कुल नहीं है तो पहली बात तो पानी पीने की आदत डलवाइए प्लीज खुद पीजिए उनके सामने बैठ के हम लोग खुद भी नहीं पीते हैं तो बच्चे तो पीते ही नहीं उनको याद ही नहीं रहता देयर आर चिल्ड्रन आई नो कि वो पूरा पूरा दिन दो दो ग्लास पानी नहीं पीते प्यास लगती है तो पेप्सी पिया मतलब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जो कि पानी नहीं है उससे तो और डिहाइड्रेशन होता है पानी के अलावा अगर वो बिल्कुल जैसे प्लेन वाटर नहीं स्टमक कर सकते हैं तो थोड़ा फ्लेवर्ड वाटर दीजिए उनको थोड़ी आदत दीजिए फ्रूट्स डाल के रख दीजिए स्ट्रॉबेरीज या कोई भी फ्रूट्स डाल के रख दीजिए मे बी वो पानी वो पी लें बच्चे तो चीनी भी ले सकते हैं तो आप उन्हें नींबू पानी दीजिए आप उनको बेल का शरबत गर्मियों में खस का शरबत ये सब छाछ दीजिए हाँ बिकॉज ये सब पानी वाली चीजें हैं और अगर बिल्कुल नहीं पीता है फिर भी बहुत तंग करता है तो पानी खाने के फॉर्म में दीजिए आप उनको जो फ्रूट्स हैं जिनमें पानी बहुत होता है सब्जियां हैं जिसमें पानी बहुत होता है वो भी खिलाएंगे तो भी फिर भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है कितने पानी को आप प्रेफर करेंगे कितने ग्लास पानी पीना बच्चे को 4-5 ग्लास फिर भी पीना चाहिए और आजकल के बच्चे 1 या 2 ग्लास से ज्यादा नहीं पीते हैं पूरा दिन में बिल्कुल हाँ उसके बाद तो एडिटेड ड्रिंक पीना चाहेंगे जो और डिहाइड्रेट कर देते हैं वाटर रेस एक गेम खेलो 3-4 बच्चे वाटर रेस कौन कितना पानी पी सकता है इंटरेस्टिंग बनाना पर बहुत इंपॉर्टेंट है खाने के साथ जैसे अच्छी बात है किसी ने सवाल पूछा कि अगर वो पानी नहीं पियेंगे तो डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो उनकी बिल्कुल डेवलपमेंट रुक जाएगी काफी हद तक उनकी ब्रेन सेल्स की डेवलपमेंट भी रुक सकती है इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है पानी अच्छा एक न्यू मम्मी पूछ रही है कि 2 महीने का बेबी है और उसे हिचकी बहुत आती है तो कोई सोल्यूशन है डॉक्टर हिचकी एक तरह का रिफ्लेक्स है कई बार मतलब कुछ लोगों को रिजर्जिटेशन से की तरह भी हिचकी आ सकती है नॉट श्योर कि खाने से इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा बट डेफिनेटली अगर बच्चे को बहुत हिचकी आती है तो एक बार फिजिशियन से मिल लें एक बार पीडियाट्रिशियन से मिल लें कि क्यों आ रही है तो यही मैं कहने जा रही हूँ कि आजकल मदर्स जो है चूंकि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है पहले के जमाने में तो बच्चे को पालते थे तो दादी नानी सब साथ में रहते थे तो है ना बहुत सारे आपको घरेलू नुस्खे पता चल जाते थे आजकल उसकी कमी है गूगल जो है पूरा करने की कोशिश करता है पर उसमें भी फिर उनको लगता है कहीं कहीं से गाइडेंस जरूर चाहिए अच्छा फिर अगेन अच्छा B12 से रिलेटेड ही है उसका आपने बता दिया है बिल्कुल अच्छा क्या लगता है मुझे कि somebody is asked question ओके 4-year-old has weak immune system इसके लिए आप कुछ बता दीजिए prone to cold cough and fever what is the best way to boost immune system कविता पहली बात का आधा जवाब तो दे चुकी है
कि इम्यूनिटी बहुत वो कोलेस्ट्रम से लेकर के जो फर्स्ट मिल्क माँ का होता है तब से लेकर के बच्चे का जो फर्स्ट सिक्स मंथ्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है और आगे आप उसको क्या खिला रहे हैं वो उसकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डेवलपमेंट में. बट जब बच्चा चार साल का जैसे वो बोल रहे हैं हो गया है और इम्यूनिटी लो है तो बस इम्यून बूस्टिंग फूड्स दीजिए, बच्चे को धूप में खेलने दीजिए, बच्चे को दौड़ने भागने दीजिए, अच्छा खाना खाने दीजिए ना, ज़्यादा प्रोटेक्ट मत करिए. हम ज़रूरत से ज़्यादा कई बार बच्चों को प्रोटेक्ट करें, धूप में मत जाओ यू नो एंड मिट्टी मत छुओ एंड सो वो नहीं करना है. लेट देम डेवलप देयर नेचुरल इम्यूनिटी और उसको थोड़ा न्यूट्रिशन से सपोर्ट करिए, फर्मेंटेड फूड्स खिलाइए उनको वो स्टमक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, गट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सो दैट विल हेल्प देम. जैसे चंडीगढ़ से रजनी ने पूछा है कि मेरी बेटी अभी 6 महीने की हुई है उसे मैं ठोस आहार में क्या दूं? 6 महीने की हुई है तो वीनिंग शुरू कर सकते हैं. बिल्कुल दाल का पानी शुरू करिए, मैश्ड वेजिटेबल्स जो वो ले पाए कम्फर्टेबली, स्पिनच कुछ भी मैश करके देना शुरू कर दीजिए, बीन्स अगर ले सकते हैं. आज बच्चा स्वाद डेवलप कर देगा उस वक्त, बिल्कुल करेगा. 6 महीने में धीरे धीरे एक एक चम्मच दो दो चम्मच ही देना होता है, ज्यादा सा नमक घी, नमक जरूरी नहीं है, घी डाल सकते हैं, नमक इतने जितना लेट शुरू करेंगे उतना बेटर है. अभी रिक्वायरमेंट नमक की तो डेफिनेटली नहीं है, बट ये सब जो घर में बनता है उसी को देने की कोशिश करिए. ओके, सो दिल्ली से एक मम्मी पूछ रही है सुमिता, वो कह रही है मेरा बेटा 8 महीने का है तो घर में जो सभी के लिए बनाती हूँ वो अपने बेटे को भी देती हूँ, इज इट बिल्कुल? जितना आप इनफैक्ट माइलस्टोन के हिसाब से देखिए तो 1 साल के बच्चे को वही खाना चाहिए जो एक अडल्ट खाता है माइनस द स्पाइसेस, मिर्ची वगैरह के अलावा गरम मसाला शायद उतना नहीं टॉलरेट, बाकी सब कुछ वो राजमा भी खा सकता है, वेल कुक्ड फ्रूट्स भी सारे खा सकता है, वेजिटेबल्स भी. पर यहाँ ये बताइए क्या उसके शरीर को जरूरत है इन सब चीजों की? हर चीज की जरूरत है बच्चों को इन स्मॉल क्वांटिटीज, हर चीज की, हर तरह के बीन्स, हर तरह के ग्रेन्स, हर तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डेयरी नट्स, हर चीज के बच्चों को. क्योंकि मैं अपने आसपास एक ऐसी मम्मी को देख रही हूँ जो बच्चे को 3 साल तक सिर्फ उसने मैश्ड चावल और दाल खिलाया है, तो क्या आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि नॉर्मल बच्चे को स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स होता है और उसको डेवलप, जैसे आप बच्चे को जब फ्रेश फीड करते हैं तो बच्चे का सकिंग रिफ्लेक्स तभी डेवलप होता है जितना माँ उसको फीड करती है. वैसे बच्चा तभी अच्छे से खाना सीखेगा जब वो खाएगा, जब वो सिर्फ मैश्ड फूड सिर्फ गल्प डाउन कर रहा है. आप डाइजेशन तो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है ना, बच्चे को च्यू करना सीखना है, स्वॉलो करना सीखना है, एमाइलेज तो माउथ में ही सेक्रेट हो जाता है. आप लोगों के साथ भी मम्मी अक्सर ये सवाल उठाती होगी, हमारे पास भी क्वेश्चन आते हैं कि हमारा बच्चा खाना पसंद नहीं करता, मतलब खाने के पीछे 1 घंटे दौड़ लगानी होती है, मुंह में कुछ दो दो थूक लेगा, तो क्या आप कहना चाहेंगे मम्मियों को कि कैसे बच्चों में खाने की आदत डेवलप कराएं? बिठा के खिलाएं, टीवी या कुछ के सामने ना बिठाएं, फोकस करने दें खाने के ऊपर, क्या खा रहा है वो, वही बात है. इंटरेस्टिंग बनाएं, पहले प्लेट रखें, हर चीज की स्टोरी बनाएं, जितना एज के ऊपर डिपेंडेंट है, कितना बड़ा बच्चा है, हर चीज में उसको इंटरेस्टेड कराएं, पहले बोलें क्या खाना है, उसी से पूछ के शुरू करें, अच्छा ये दाल पहले खानी है या ये सब्जी पहले खानी है, उसके साथ शुरू करें, फोकस खाने पे रखें. ये ना करें जब शुरू में क्या करते हैं, इजी करने के लिए टीवी ऑन कर दिया, खाना रख दिया, तो फिर खाना वहीं पड़ा रह जाता है. एक दो बारी हेल्प कर देगा, खा लेगा बच्चा, उसके बाद नहीं खाएगा, तो ये क्विक फिक्स नहीं वर्क करता है. तो पेशेंस की जो बात है, मम्मियां कहीं थोड़ी ओवर फीड करने के पीछे भी तो नहीं पड़ी? बिल्कुल बिल्कुल पड़ी रहती है, बिल्कुल. कई बार वो पोर्शंस नहीं समझ पाती है और वो चाहती है कि बच्चे बहुत खाएं और गुल मटोल खाए एकदम, है ना, वही बच्चे प्यारे होते हैं जो गुल मटोल होते हैं, फिर वो ही बीस हो जाते हैं बड़े. बिल्कुल सही कह रहे. अच्छा, यहाँ एक सवाल है ममता का, हल्द्वानी से, कि उनका बेटा 1.5 साल का है और डॉक्टर ने उसे आयरन की कमी बताया है, तो आयरन डिफिशियंसी के लिए आप क्या कहेंगे? जो जैसा मैंने बोला कि 6 महीने तक ही बच्चों के पास बॉडी में स्टोर होता है आयरन का, उसके बाद तो आपको उसको डेली रिक्वायरमेंट आयरन की देनी है, रोज ही देना है, तो आयरन रिच फूड्स खिलाना ही खिलाना है. बेस्ट तरीका उसके लिए है कि वैरायटी दीजिए, पहली बात. वैरायटी के साथ आप मेक श्योर करें कि जो आयरन रिच फूड्स हैं, 4-5 फूड्स की लिस्ट बना लें. अगर अंडा खाता है तो अंडा भी खा सकते हैं, अंडा इज अ वेरी गुड सोर्स. पर अगर अंडा नहीं भी खाते हैं, आप वेजिटेरियन हैं, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, बीन्स हो गए, ये सब चीज़ें रेगुलर एवरी डे उसमें खिलाएं. इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये भी है कि उसके साथ में विटामिन सी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन बेटर आयरन का तभी होगा कि जब आप उसको विटामिन सी रिच फूड्स देंगे.
उसी के साथ नहीं, मतलब दिन भर में विटामिन सी फूड जाना चाहिए, जैसे कि गुआवा, आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, तो ये सब चीजें देंगे तो जितना आप आयरन उसको खिला रहे हैं वो ज्यादा अब्सॉर्ब हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आयरन की रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही है, जो कि काफी वेजिटेरियन डाइट्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आयरन की रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती है, तो फिर फोर्टिफाइड फूड्स दीजिए, बिकॉज आयरन को रिक्वायरमेंट को मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। सो थोड़ा सा फोकस करें। बिल्कुल, आप देखिए वर्ल्ड वाइड एनीमिया की प्रेवलेंस सबसे इंडिया में अराउंड 60% ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज, बहुत ज्यादा एनीमिया। सो आयरन एक बहुत बड़ा न्यूट्रिएंट है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, एंड कई बहुत कॉमन है आयरन डेफिशिएंसी, तो जरूर हमें बहुत फोकस करना चाहिए। नट्स भी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं आयरन के, एप्रिकॉट्स, डेट्स, पहले हम ये सब रोजमर्रा के खाने में बहुत अच्छा। अच्छा, एक मुझे बताएं कि ये जो कहा जाता है कि बच्चे का ब्रेन जो है वो 2 साल की उम्र तक 80% विकसित हो जाता है, ब्रेन डेवलप हो जाता है, तो क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, कॉग्निटिव, जैसे कविता भी बोल रही थी, कॉग्निटिव, मोटर स्किल्स, इमोशनल स्किल्स, मेमोरी, क्रिएटिविटी, ये सब जो हायर लेवल ऑफ ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट है, ये सब बच्चे के फर्स्ट 2 ईयर्स में डेवलप हो जाता है, एंड इट टू अ लार्ज एक्सटेंट विल डिफाइन हिज अडल्टहुड ऑल्सो। तो जरूरी है कि हम बच्चे को स्टिमुलेट करें खाने से, उसकी एक्टिविटी से, वो पैसिव स्टिमुलेशन, टेलीविजन देखना या गैजेट्स खेलना पैसिव स्टिमुलेशन है, उससे बच्चा कुछ अपने आप नहीं करता, बट जब आप उसको क्रिएटिव स्टिमुलेशन देते हैं, खेलें उसके साथ, बच्चे को खेलने दें, अच्छा खाना दें, अच्छी कंपनी दें, एंड एक आपने करेक्टली बोला था जयंत जी कि हम न्यूक्लियर फैमिलीज ही अपने आप में एक बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा एनवायरमेंट नहीं है, विच इज़ द ट्रूथ ऑफ टुडे, क्योंकि वो अब बहुत कुछ वो अपने आप बच्चे सीख लेते हैं बड़े परिवार से, जो वो हैप्पी बच्चे तभी बनते हैं जब सबके साथ रहते हैं, ना बेचारा बच्चा हंसेगा भी किसके साथ होता है, फिर वो फाइनली टीवी खोल लेते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, अगर कोई लेट राइजर है और किसी पेरेंट्स को ये बाद में जाके महसूस हो रहा है कि हम 2 साल तक कुछ कर नहीं पाए, अब मेरा बच्चा 5 साल का हो गया है, अब बहुत कुछ डिफिशेंसी, तो क्या वो कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चे में, क्या उस वक्त के बाद भी कुछ हेल्प करने से बच्चे के ब्रेन में कुछ फर्क पड़ेगा? इट्स नेवर टू लेट टू डू करेक्शन, बट कितना करेक्शन हो पाता है कई चीज़ों में डिपेंड करता है। एक छोटी सी आपको बात बोलूँगी, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी जिसको बोलते हैं, अब आप देखिए इतना ऑटिज्म, डिसलेक्सिया क्यों बढ़ गया है, ये सब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स टू अ लार्ज एक्सटेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के भी वो, इनफैक्ट जेस्टेशन के वक्त न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर न्यूरल ट्यूब बराबर फॉर्म नहीं होती है, फोलेट की डेफिशिएंसी है, आयरन की, वहीं से हम पेस सेट कर दे रहे हैं कि जो बच्चा होगा उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स, अगर ऑटिज्म नहीं भी हो तो माइल्डर फॉर्म होते हैं लर्निंग इनकेपेबिलिटीज वगैरह के, तो कुछ चीजें तो पूरी तरह करेक्ट नहीं हो सकती, बट लार्ज अमाउंट ऑफ थिंग्स कैन बी करेक्ट, करेक्शन तो जरूर करना चाहिए, बिल्कुल पूरी कोशिश करनी चाहिए, एंड काफी चीजें करेक्ट हो भी जाती है। अच्छा कविता, मुझे बताएं, पेरेंटिंग हमारे लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से पर्टेनिंग आती है, तो आजकल की माएं जो है आपको क्या लग रहा है किस ओर बढ़ रही हैं? हेल्थ कॉन्शियस तो हुई है, तो आपको क्या लग रहा है कहाँ लैक रही है, कहाँ उनको गाइडेंस नहीं चाहिए, क्या कहीं कंफ्यूजन है, क्या आप कुछ ज्यादा पढ़ लिख के आती हैं गूगल में उसके बाद आपसे सवाल पूछती हैं, क्या लगता है आपको? वो क्या एक टर्म है ना, हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, बिल्कुल वही हो रहा है आजकल, हम बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को, उनको जब तक हम फ्री नहीं छोड़ेंगे तब तक उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता, वो आपके हिसाब से नहीं ग्रो कर सकते, वो अपने हिसाब से ग्रो करेंगे, अपने हिसाब से डेवलप करेंगे, और प्लीज उनको करने दीजिए, यू आर देयर टू गाइड द चाइल्ड, नॉट टू लीड द चाइल्ड लाइफ, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेरेंटिंग करें, बट आई थिंक हमारे जो पेरेंट्स का जनरेशन था वो काफी हद तक ठीक था, दे वर फोकसिंग ऑन अ वेल बीइंग, बट फिर भी सारे कंप्लीट डिसीजंस तो नहीं हमारे ऊपर थोपते थे। हम आजकल कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा, हमने लिस्ट बनाई है ये 5 एक्टिविटीज हमारे बच्चे के लिए सही है, तो वो यही 5 एक्टिविटीज करेगा और उसे करना पड़ेगा। बच्चा मना कर रहा है कि डांस नहीं पसंद, तो नहीं पसंद उसको, लेट हिम ट्राई समथिंग एल्स। तो ये थोड़ा सा तो स्टेप बैक करना इंपॉर्टेंट है, अग्रीड एक एक बच्चा है, दो दो बच्चे हैं, तो हमारा फोकस वहां पे है, बट आई थिंक सेल्फ फोकस कीजिए, स्टार्ट लुकिंग एट योरसेल्फ। आप भी कुछ कहना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, पेरेंटिंग हम सभी पेरेंट्स चैलेंजिंग, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स, उसमें हेल्थ का भी थोड़ा सा छौका लगा दीजिएगा। तो आई थिंक अगेन यू नो, बच्चे
बहुत सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है. माई डॉटर इज अ ग्रोन अप गर्ल नाउ, 20 ईयर्स ओल्ड, एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने उसको नहीं सिखाई, बट शी इज लर्न ओवर द ईयर्स. बच्चों को थोड़ा बढ़ने का मौका दें, थोड़ा खुलने का मौका दें, थोड़ा खेलने का मौका दें, और थोड़ा यू कैंट लीड देयर लाइफ, यू हैव टू लेट देम लीड देयर ओन लाइफ. और हेल्थ भी उसी तरह से थोड़ी उनको पर्सनल डिसीजंस भी देने दीजिए, उनकी अपनी हेल्थ. अगर आप ही उनकी हेल्थ पूरे वक्त डिफाइन करते रहेंगे तो वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हेल्थ के लिए लेंगे नहीं ना. अगर मैं हमेशा अपनी बच्ची को बोलती रहूँ कि यही खाना है, यही करना है, इतने ही बजे उठना है, इतने ही बजे सोना, तो वो कब वो डिसीजन लेना शुरू करेगी, वो कब समझना शुरू करेगी कि मुझे ये करना. किस उम्र में बच्चे डिसीजन ले सकते हैं? बहुत जल्दी ले सकते हैं, बच्चे बड़े समझदार होते हैं. वो तो हमारी टच को भी फील कर सकते हैं, हमारे बोले बिना वो हम समझ सकते हैं कि हम गुस्सा है या खुश है या हम किस स्टेट ऑफ माइंड है. तो बहुत जल्दी बच्चे हमारी हर बात समझ जाते हैं. पेरेंटिंग बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, एंड आई थिंक वी नीड टू फर्स्ट ग्रो एज अडल्ट्स बिफोर वी कैन एक्चुअली पेरेंट चिल्ड्रन. बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल. तो आज हमने डॉक्टर मंजरी और कविता देवगन के साथ बच्चों की सेहत से जुड़ी बातचीत की, और नतीजा ये निकला कि हम सबको अपनी जड़ों की तरफ वापस जाना होगा. जो हमारी दादी नानी माँ ने हमें खिलाया पिलाया था, कुछ थोड़ी उनसे गाइडेंस ले लीजिए, और थोड़ा कुछ मार्गदर्शन लेके आप वही सब कुछ खिलाना पिलाना शुरू करिए, क्योंकि हमारे किचन में बहुत हेल्दी चीजें मौजूद है, और वो खा के आपका बच्चा बहुत तंदुरुस्त रहेगा और आगे भी एक सेहतमंद, क्या कहें, एडल्ट के रूप में बाहर निकल कर आएगा. आप सबका बहुत बहुत थैंक्स.